गुलाब सिंह और समझी के दे जे उंदा भी उवे अशर होना है जो उंदे दोवे भराएं ते पुत्रें दा होया है। पर वो बड़े समझदार है, उन्हें खालसा सेना की इस चाली अपने शब्द जाल च लपेटिया जे ओ उंदे मुरीद होई गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने ना सिर्फ कला की दुनिया में बल्कि जर्नलिज्म की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल सिंह की, जिसको इस साल जूनियर फेलोशिप अवार्ड मिला है कल्चर की फील्ड में, और कहीं ना कहीं एक हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ एक तरफ राहुल जो हैं ये नटरंग में भी काम करते हैं, कल्चर की फील्ड में भी काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अपना जर्नलिस्ट भी है। तो इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि जूनियर फेलोशिप अवार्ड है क्या है और किस प्रकार से इन्हें मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है। राहुल भाई, स्वागत आपका द फोर्थ स्टेट में। थैंक यू वेरी मच। राहुल भाई, सबसे पहले तो जूनियर फेलोशिप अवार्ड आपको मिला, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। मैं जानना चाहूंगा जूनियर फेलोशिप अवार्ड है क्या और किस तरह से मिलता है। okay. और आपको किस चीज़ के लिए मिला, हालांकि कल्चर की फील्ड में मिला है, लेकिन किस चीज़ के लिए? क्या होता है कि हर साल जो है, जो सेंटर की सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो 400 स्कॉलरशिप निकालती है और 400 ही फेलोशिप जो है अनाउंस की जाती है उनकी तरफ से। और जो 400 फेलोशिप होती है उनमें से दो जो होती है वो सीनियर विंग के लिए होती है, और 200 जो है वो जूनियर विंग के लिए होते हैं, जूनियर फेलोशिप। तो उसमें क्या होता है, फेलोशिप है क्या बेसिकली, जो मेरे को मिली है जूनियर फेलोशिप, मैं उसी के बारे में बताता हूँ। अगर आप कल्चर की फील्ड में काम कर रहे हैं और आप उस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे मेरा जो है, मैंने जो रिसर्च रखा है वो डोगरी थिएटर है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा जो जम्मू रीजन है वो डोगरी के लिए जाना जाता है, डोगरा जो लैंड है वो इसे कहा जाता है, मैं खुद डोगरा हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो डोगरी थिएटर है, जो डोगरी लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रही है, गायब होती जा रही है। और मेरा जो मेन मकसद है इस रिसर्च के लिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड रहता है, तो मैंने इसलिए ये किया है कि ताकि मैं ये देख पाऊँ कि क्या वजह है डोगरी थिएटर के श्रिंक होने की, ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और क्या वजह है जो बाहर की चीज़ें हैं, यहाँ पर शेक्सपियर चल रहा है, यहाँ पर मोलियर चल रहा है, क्यों नहीं यहाँ पर जो हमारे डोगरी थिएटर के या डोगरी राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो ही क्यों नहीं, उनको, उन पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है। तो ये रिसर्च बेस है और जूनियर फेलोशिप मिला है मुझे रिसर्च करने के लिए डोगरी थिएटर में कि क्या वजह है, और लोगों से इंटरव्यू करना है जो डोगरी में काम कर चुके हैं, जो डोगरी थिएटर में काम कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, उनके साथ बातचीत होगी, उनके साथ गुफ्तगू होगी, उनका मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, कितनी देर वो काम कर रहे हैं, वो सारी कलेक्शन होगी, और ये पूरा रिसर्च बेस्ड होगा। जैसे कि हम पीएचडी करते हैं, हमें एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर पूरा थीसिस वर्क करना होता है, तो मेरा उसी पे है, मेरा भी ये थीसिस वर्क रहेगा, और मेरे को पूरा रिजल्ट मतलब निकालना है कि आखिर दो सालों में क्या कुछ चीज़ें हो रही थी पहले, और अब कहाँ पर हमारा जो ये डोगरा थिएटर है, डोगरी थिएटर है, वो स्टैंड कर रहा है। तो ये पूरा उस तरीके से रहता है। राहुल भाई, मेरे को सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आपको, आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, कहाँ से शौक पड़ा था थिएटर आर्टिस्ट बनने का? एक्चुअली लंबा सफ़र है, मैं थोड़े शब्दों में बता देता हूँ। हाँ, क्या होता है कि जब मेरी 12th थी, मैं 12वीं भी था, मुझे पता नहीं था कि थिएटर कुछ है कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था। फिल्में हर कोई देखता है, फिल्में होता है, और थिएटर से बड़े कम लोग जो हैं अभी भी वाबस्ता रखते हैं, समझते हैं कि कोई थिएटर चीज़ है।
मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया था कि क्या किया, मैंने कहा ट्वेल्थ किया है, तो कह रहे थिएटर कर ले, कह रहा कि शौक है एक्टिंग वैक्टिंग का, तो मैंने ऐसे उसे मजाक में कह दिया कि हाँ एक्टिंग का शौक है, तो घर में सब कोई कर रहे होते हैं, कह रहा चल फिर आ जाए, एक वर्कशॉप हो रही है थिएटर की तो देख ले। मैं आया यहाँ पर, ये वही जगह है नटरंग की जहाँ पर मैं आया, तो वहाँ पर मैंने देखा किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप तो पहली बारी मैंने नाम सुना था कि थिएटर की भी कोई वर्कशॉप होती है, एक्टिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, तो वो आया यहाँ पर, नाम सुना क्या है क्या नहीं है, लोगों से बात हुई और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, तो इस तरह से शुरुआत होती गई, देखता गया, मज़ा आता गया, और मज़े में कितने साल निकल गए वो पता ही नहीं चला। यानी कि ये जस्ट ऐसे ही था बिना वजह, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको थिएटर में इसमें आना है। देखो जैसे मैंने आपने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो जर्नलिज्म में भी आना मेरा कोई ऐसा नहीं था, मकसद नहीं था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, वो भी बाय द चांस पता नहीं कहाँ से मतलब मैं जर्नलिज्म में आ गया। मतलब अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ, आप एक एक्सीडेंटल थिएटर आर्टिस्ट हैं और एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हैं, तो गलत नहीं होगा? एक्सीडेंटल कुछ हद तक ठीक है, हाँ एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में आना जो है ना, वो मेरा थिएटर, अगर देखो अगर मैंने थिएटर किया है तो मेरा ये पैशन था, थिएटर करते 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 थोड़ा करते करते इतना रुझान हो गया, पैशन बन गया, अगर मैं फिल्मों में नहीं आ पाया, अगर मैं सीरियल्स में नहीं आ पाया कुछ वजहों से, लेकिन मेरा एक ये था कि मैं कैमरा ज़रूर फेस करूँगा, मुझे कैमरे के आगे आना है, चाहे वो मोबाइल कैमरा हो, चाहे वो डिजिटल कैमरा, कोई कैमरा हो, मुझे आना है उसके सामने, कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से आना, किसी ना किसी तरीके से कैमरा के सामने ज़रूर आना है। तो इसलिए तो आज हम आपको कैमरा के सामने बिठा के फिर आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपने जैसे ट्वेल्थ के बाद आपने ये चीज़ थिएटर का काम शुरू किया, तो आज तक कितने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? अब देखो अवार्ड्स की क्या बात होती है, थिएटर एक अलग चीज़ है ना, जैसे हम देखते हैं फिल्में होती हैं या सीरियल्स होते हैं, उसमें अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, थिएटर का कुछ अलग रहता है, थिएटर कहीं ना कहीं वो सामने चीज़ नहीं आ पाती है, जैसे फिल्मों के सामने आ जाती है, वो कमर्शियल वर्ल्ड है, हमारा थिएटर जो है वो इतना कमर्शियल नहीं है, हम देखें कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान का नाम भी बनने में ना उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, और तब जाके पता चलता है यार वो हमारे यहाँ का रहने वाला था, वो इतना नाम कमा लिया, वो सामने नहीं आ पाता है। इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया वैसे। भाई मेरा सवाल ये था कि आपको आज तक कितने अवार्ड्स मिले हैं एज थिएटर आर्टिस्ट? अभी अगर देखा जाए मतलब अवार्ड्स की बात की जाए तो मैं 50 के करीब जो है ना अभी तक नेशनल खेल चुका हूँ थिएटर में, 50 है नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट। अगर मैं यही चीज स्पोर्ट्स में होता, अगर मैं स्पोर्ट्स में होता या कहीं और होता तो शायद ये नाम बन गया होता, लेकिन थिएटर में हूँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि थिएटर में शायद वो नाम नहीं मिलता है इंसान को, जम्मू कश्मीर से है तो जम्मू कश्मीर में वैसे ही अगर देखा जाए तो थिएटर को इतना लोग तवज्जो नहीं देते हैं, हम जब शुरुआत करते हैं कहीं हमारे यहाँ अभिनव थिएटर है या जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है जो जम्मू यूनिवर्सिटी में है, हम जब वहाँ परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो ऑडियंस अगर हम देखेंगे ना तो ऑडियंस का रुझान ही नहीं है, आते ही नहीं है, अगर समझ लीजिए 500 की कैपेसिटी है तो आपको 50 या 100 लोग मिलेंगे, वो भी हमने बुलाए होंगे इनविटेशन से कि आइए आइए, ऐसे अगर किसी को इनविटेशन देने के बाद, और अगर तो हजार के हाँ, मैं बात कर रहा था अवार्ड्स की, लाइक किसी भी फील्ड में अगर आप नेशनल खेलते हैं कहीं पर कुछ पार्टिसिपेट करते हैं कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर मिलता है, तो आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? देखो ये जो अवार्ड्स जो मैंने 50 नेशनल खेले हैं ना, मेरा यही अवार्ड है। अच्छा, इसी को आप अपना अवार्ड मानते हो? उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं जैसे अभी मेरे को जूनियर फेलोशिप मिल चुकी है, इससे पहले मुझे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, स्कॉलरशिप जैसे मैंने बताया कि हर साल 400 लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से जो है सरकार की तरफ से 400 स्कॉलरशिप भी मिलती है जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं थिएटर में, तो इससे पहले मैं स्कॉलरशिप भी ले चुका हूँ, वो भी इसी पर थी हमारे यहाँ के थिएटर को लेकर, अभी जूनियर फेलोशिप है। अवार्ड्स की बात की जाए तो ये 50 नेशनल्स हैं, लेकिन उस तरीके का अगर देखा जाए मैंने पहले कहा रिकॉग्नाइजेशन वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है जब थिएटर की बात आती है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। एक चीज़ बताओ मेरे को, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर आप जम्मू कश्मीर से कहीं बाहर होते, किसी दूसरी स्टेट में होते तो शायद वहाँ पर ज़्यादा नाम बन पाता? कभी कभी लगता भी है और कभी कभी लगता है कि नहीं, जहाँ हैं वो सही है। एक्चुअली क्या होता है, जो बाहर का थिएटर है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं या महाराष्ट्र मराठी थिएटर की बात करें, गुजराती थिएटर की बात करें, बंगाली थिएटर की बात करें, तो वो पूरा हब है। अब जैसे वो कमर्शियल भी देखा जाए ना, वो कमर्शियली थिएटर करते हैं, उनकी टिकट होती है, पैसा लगता है, अगर आप जाते हैं कोई अगर थिएटर का आर्टिस्ट है उसको पे करते हैं, अगर दिल्ली बॉम्बे की बात करें या गुजरात बंगाल की बात करें या साउथ में भी शायद होगा ऐसा, लेकिन हमारे जम्मू की बात करें, एक तो मैंने पहले बताया यहाँ कोई आता नहीं है, अगर अब थोड़ा सा ट्रेंड बन गया था लोग आते हैं, लेकिन अगर आप टिकट रख देंगे ना
तो टिकट से तो वैसे ही लोग ने क्या करने जाना है, एक तो ऐसे ही जा रहे थे चलो इनके लिए देख लेंगे, लेकिन अगर टिकट रखी है तो चाहे 20 रुपये की टिकट रखेंगे, कुछ होंगे जो बहुत चाहते होंगे कि हाँ हम थिएटर देखेंगे चले 20 रुपये की टिकट लेते हैं, लेकिन अभी तक वैसा दिखता नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि लोग इससे दूरी रखते हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एज अ थिएटर आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कितना स्कोप है जम्मू कश्मीर में थिएटर आर्टिस्ट के लिए? क्या लगता है जम्मू कश्मीर में रैकेट, क्योंकि आपने भी अपना काफ़ी टाइम जो है एज अ थिएटर आर्टिस्ट दिया है, तो क्या लगता है कि बाकी लोगों को इस थिएटर आर्ट मतलब थिएटर की फील्ड में आना चाहिए और आगे बढ़ने का कुछ स्कोप है किसी के लिए? देखो, अगर थिएटर में आना है आप क्या मकसद लेकर आ रहे हो ये बहुत ज़रूरी है, मकसद होना, क्योंकि थिएटर अगर आपको करना है, ये थिएटर सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाता है, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। मैंने कहा ना कि मैं अगर जर्नलिज्म में आ गया ना तो कहीं ना कहीं मुझ में वो चीज़ें थी, वो ट्रेनिंग थी कि मैं इसके सामने आ पाया, मैं बात रख पाया, मैं अगर अब किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे को समझ आती है मुझे कैसा इंटरव्यू करना है, कैसे बात करनी है, वो सब कुछ सीखा मैंने जो है वो थिएटर से सीखा है, यहाँ पर जो वर्कशॉप हुई उससे सीखा है। इसमें ये बताया जाता है कि आपने बात कैसे करनी है, आपने चलना कैसे, आपने देखना कैसे है, सामने वाले को समझना कैसे, आप साइकोलॉजी समझ जाते हो अगर आप थिएटर किया है ना, आप सामने वाले को देख के समझ जाते हो कि इसके इस इंसान के अंदर चल क्या रहा है, इसकी आंखों के अंदर चल क्या रहा है। तो अगर कोई, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं थिएटर कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स मैंने खुद ट्रेन करे हैं, बच्चे करे हैं। अगर आप बाहर जाते हो ना दिल्ली मुंबई, यहाँ पर जो MNCs बड़ी बड़ी MNCs में जो जॉब करते हैं ना, उनकी भी कहीं ना साइकोलॉजी को लेके उनकी ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होती है, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग देने आते हैं ना वो भी हमारे जैसे बंदे होते हैं जो वर्कशॉप कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं, उनको वहाँ पर लेकर जाते हैं कि आप हमारे यहाँ के जो ये आ रहे हैं इनको ट्रेन करिए, इनको बताइए कि किस तरह से आपने काम करना है, बात करनी है, आपका हाव भाव कैसा होगा, किस तरह से आपको सामने वाले कस्टमर से बात करनी है, मतलब एक किस्म का उनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बिल्डअप करना है ना, वो थिएटर से आता है। और किसी को भी कोई भी मकसद हो, चाहे आपको फिल्मों में जाना है, नहीं जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, आपको जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी करिए, आप थिएटर जो है ना वो ज़रूर थोड़ा टाइम करिए, 6 महीने करिए, 1 साल करिए, अपना वो प्रीशियस टाइम जो है ना थिएटर में ज़रूर दीजिए, आपको उससे बेटर अपनी पूरी लाइफ में कभी अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। आप समझेंगे कि जो मैंने वहाँ सीखा था ना पूरी लाइफ में मेरे वो काम आया और आज वही काम आ रहा है, आने वाले समय में शायद और भी होगा। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब एज अ थिएटर आर्टिस्ट आपने काम करना शुरू किया, थिएटर में आना शुरू किया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? वो बड़ा अलग है, वो क्या बताऊँ। मैंने बताया कि मैं एक्सीडेंटली, आपने कहा कि ऐसा है, मैंने घर में बताया नहीं था। अब क्या होता है कि मैंने कहा मेंटेलिटी होती है, अब मेरे घर में ये था कि उनको भी लगता था कि पढ़ाई करो एंड जॉब करो, उसके अलावा कुछ नहीं। और थिएटर जैसे मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ के देखा, तो मैंने घर में 6 महीने तक, मैं बताता हूँ आपको असलियत मेरी यही है कि मैंने 6 महीने तक नहीं बताया कि मैं जाता कहाँ था। मैं यहाँ आता था क्योंकि यहाँ 3 से 4 नटरंग में जब मैंने ज्वाइन किया, 3 से 4 बजे तक नटरंग जाते थे और 2 घंटे यहाँ आना नटरंग में और उसके बाद घर। और मेरे घर वालों को मैंने कभी 6 महीने नहीं बताया कि मैं वो 2 घंटे जाता कहाँ था। 6 महीने के बाद कहीं मुझे एक रोल मिल गया, छोटा सा रोल मिला, एक नाटक था, 1.5-2 घंटे का नाटक था, उसमें मुझे रोल क्या मिला था, मुझे दरवाज़ा बनाया गया था, मतलब यूँ खड़े होना, हाथ में एक डंडा था और कोई अंदर आता था तो वो ऐसे खुलता था और ऐसे बंद हो जाता था, और कोई जाता था तो फिर वो ऐसे खुलता था और ऐसे, मेरा ये रोल था बस। और पता नहीं कौन सी न्यूज़पेपर में किसी ने फ़ोटो खींचा एक्टर का, एक्टर मेरे शायद मेरे सामने पास होगा, उसका फ़ोटो और मेरा भी फ़ोटो प्रोफाइल आ गया, हाफ प्रोफाइल आ गया। तो जब मैंने वो देखा, आई डोंट नो कौन सी न्यूज़पेपर था, हिंदी इंग्लिश कौन सा था, जब मैंने वो देखा मैं इतना खुश हुआ, मैं कहा यार मेरा फ़ोटो आ गया है अखबार में, बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ 2009 या 10 की बात कर रहा हूँ, मैं देखा मेरे को खुशी, मैं घर गया, घर में बताया, मैं ये देखो मेरे अखबार में फ़ोटो आई है, घर वाले खुश हो गए, कह रहे क्या किया। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे जाता हूँ तो उधर ऐसे एक्टिंग सिखाते हैं, थिएटर थूटर पता नहीं, मैंने कहा एक्टिंग सिखाते हैं तो उसमें आया, कह रहे अच्छा अच्छा। तो वो सोचते हैं, उनको शायद लगा ऐसा कि एक्टिंग शेक्टिंग है तो शायद इसमें कोई नौकरी मिलेगी, तो उन्होंने इस तरीके से, मैंने भी उनको बोल दिया कि हाँ मेरे को शायद आने वाले समय में नौकरी ऐसी मिल जाएगी तो मैं करता हूँ, तो उन्होंने भी कह दिया अच्छा। उसके बाद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते 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 न्यूज़पेपर में आया गया, आता गया, क्योंकि थोड़ा सा सीन, उसके बाद 1 साल बाद मुझे फिर एक सीन मिला, 1 साल लगा मुझे थोड़ा सा, यानी कि वो एक सीन के होने के बाद एक साल और लगा अगला सीन, एक साल लगा मुझे कोई लाइन बोलने के लिए, उस वक्त मैं दरवाज़ा था ना, 1 साल के बाद मुझे मिली थी लाइन कुछ बोलने के लिए कि हाँ ये मेरे वर्ड्स हैं। और 2 साल बाद मुझे कोई रोल मिला था, अच्छा 1.5-2 साल हो गए थे, उसके बाद मुझे कोई रोल मिला था करने के लिए, देन थोड़ा चलता गया और आज आपके सामने है। एक चीज़ और बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार है, मेरे ट्रेनर हैं, हालांकि जब मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी वो मेरे गुरु भी थे, अब उधमपुर में रहते हैं,
तो जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो मेरे को 6 महीने तक, मैं बताता हूँ, उन्होंने एंटर नहीं करने दिया था यहाँ पर कि नहीं। वो ये शायद देखना चाहते थे कि इस लड़के में पेशेंस कितना है, कितनी देर ये टिकता है। अगर ये टिक जाता है तो ये आगे चला जाएगा, अगर पेशेंस लेवल नहीं है, ख़त्म हो गया, तो फिर इसका रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इस पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो वो जो उन्होंने मेरे में, इस हॉल में आने के लिए 6 महीने आपको वेट करना पड़ा था। और आज के टाइम में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में क्विक वर्ल्ड हो गया है, जैसे हम कह रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया करना है, तो आजकल हर चीज़ जो है ना, हमारे जो यंगस्टर हैं वो डिजिटली सोच के करते हैं कि हमारी चीज़ जो यूं हो जाए, ये चुटकी बजी और हमारा काम बन जाए। अगर हम थिएटर कर रहे हैं तो हमें फिल्मों में चांस मिल जाएगा, सीरियल में मिल जाएगा, या कहीं ना कहीं वो रातों रात हो जाए, वैसा कभी नहीं होता है। अगर आपको कुछ चीज़ रातों रात मिल जाती है ना, तो फिर वो गॉड द ग्रेस, कहीं ना कहीं कुछ मिल गया ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन जो करना होता है ना, वो सस्टेन करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ऐसी जगह पर जहाँ से आप कुछ सीख पाए, वो बड़ा ज़रूरी है। मेरे को एक चीज़ बताओ, स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, घर वालों को नहीं पता है, लेकिन जब पता चला उन्होंने भी सोचा कि शायद जॉब मिल जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे घर वाले क्या बोलते हैं, सच सच बताना, एज अ आर्टिस्ट थिएटर आर्टिस्ट जब बात करते हैं आपसे, क्या बोलते हैं? नहीं वो नहीं मैं बताऊंगा क्यों? नहीं नहीं, वो कुछ सीक्रेट है, घर के सीक्रेट बाहर ही बता सकते, बड़ा सीक्रेट है। नहीं, घर के अंदर ही रहो, बाहर देख लो भाई, बंदे होने चाहिए ऐसे भैया, सीक्रेट को सीक्रेट रहने दो, बाहर नहीं आने देना। नहीं बट पता क्या होता है, मैंने कहा ना, कुछ घर वाले खुश हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खुश हैं, खुश हैं वो, हर चीज ठीक है, और मेरी लाइफ बड़ी अच्छी इस वक्त चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। एक सवाल फिर मेरा उस बात पे, थिएटर आर्टिस्ट आपने स्टार्ट किया, आज आप जर्नलिज्म के फील्ड में हो, एज अ जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हो, तो घर वाले ये बोलते नहीं है कि भैया तू गया कहाँ था और वहाँ से कहाँ चला गया? नहीं, वो देखो क्या होता है, आपको कन्विंस करना आना चाहिए अपने माँ बाप को बताना आना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना, उसका कई कई बार होता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है, वो समझ नहीं पाते उस चीज़ को जब तक हम उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि आपका भला हो, अच्छी चीज़ मिले, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो आपके अच्छे लिए। अब अगर हम उनको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, हम कन्वे नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी गलती है ना कि उनकी गलती है। शुरुआत में मैं डरता था, बता नहीं पाता था, क्योंकि घर का माहौल वैसा था, थोड़ा सा इतनी फ्रीडम नहीं थी बात करने की, धीरे धीरे करते 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 फ्रीडम आ गई, फिर मैंने उनको बताया चीज़ों को लेकर, आगे चले, थिएटर किया, 12-13 साल हो गए थिएटर करते हुए अभी, क्योंकि उसके बाद मैं एक्टिंग करता था, एक्टिंग के बाद मैं डायरेक्शन में आ गया, डायरेक्शन की कुछ, फिर मैंने शॉर्ट फिल्में भी बनाई उसके साथ साथ, ठीक है, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो भाई साहब ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है। हाँ, साफ बोल रहा हूं। अभी क्या हुआ था, जब डायरेक्शन में सच्ची बता रहे, कितनी शॉर्ट मूवीज बनाई अभी? शॉर्ट्स मूवी मैंने अभी 6 शॉर्ट मूवी बनाई है, ठीक है, तो क्या होता है, तो मतलब अगर आज मैं बात नहीं करता तो ये बात बाहर नहीं आती, डायरेक्टर भी है। क्या हुआ था, जब अभी जूनियर फेलोशिप का अखबार में आ गया ना, क्योंकि जर्नलिज्म की दुनिया में अभी मेरे को यही जानते कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, बैकग्राउंड क्यों क्या बताना, ठीक है, अपना मेरे को वो अच्छा भी लगता है अपने बारे में बताऊँ, ये किया। और जब जिसको पता लगा ना हमारी जर्नलिस्ट फील्ड के, क्योंकि सब इंटरव्यू लेते हैं, तो मेरे पास कईयों ने मेरे पास आके बात की कि भैया आपने बताया नहीं, आपने ये बात, मैं कहा नहीं क्या बताना अपनी, क्योंकि बढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, खुद वो खुद चीज़ें सामने आ जाए वो अच्छा होता है, अगर अपने मुँह से आप बता रहे हो एक टाइम पर आके बताना चाहिए, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें आती नहीं है, आप आ गया सामने, क्योंकि आपने काम किया, आपका काम किया हुआ जरूर सामने आता, वो कहीं छुपता नहीं है, और वही चीज़ आपके सामने आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आने वाले समय में शायद और भी कुछ होंगी जो चल रही हैं, वो आने वाले समय में पता लगेगा। देख लो भाई, ये बंदा ना फुल ऑन सीक्रेट्स है। हाँ, मैं बता दूं, ये बंदा पक्का कुछ ना कुछ और चीजें, खिचड़ी जरूर पक रही है। एक चीज कहना चाहूंगा, पता क्या होता है, अभी सोशल मीडिया का हमारा जमाना है, हम भी सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत सही है, जिस तरह से बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई है, उससे बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, हमारी जर्नलिस्ट्री में बहुत सारे लोग आ गए हैं, और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें गलत भी हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कई बार स्टेटस डाल देते हैं, हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो कर लिया, अब मेरा ये अपना पर्सनल है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, अपनी चीज़ें थोड़ी सी छुपा के रखो, जब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो ना, छुपा के रखो, जब अचीव कर पाओगे ना, कर जाओगे ना, फिर आपके हर कोई वाहवाही करेगा। मैं, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर है, मैं ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ी सी छुपाओ और फिर जब निकल के आएगी बात जो की है ना। हाँ। क्या बोलूँ मैं, लाखों मतलब लाख पते की बात की, कहते हैं ना पते की बात की, मैं कहता हूँ लाख पते की बात की, बड़ी सारी चीज़ें। एक चीज़ बताओ, एज अ जर्नलिस्ट अभी काम कर रहे हो आप, तो थिएटर की तरफ टाइम कैसे दे पाते हो? अभी देखो, अभी तो कोरोना चल रहा है, कोविड पीरियड है, अभी तो थिएटर बिल्कुल बंद है, तो मैंने कहा मैं पहले एक्टिंग करता था। एक्टिंग का मतलब ये होता था कि आपको समय देना है, 3 घंटे
टाइम देना ही देना है, उसके अलावा आपको ट्रेनिंग वो चीज़ें रहती है वो 3 घंटे की ही रहती है, उसमें मकसद रखना पड़ता है, वो टाइम निकालना पड़ता है। अभी क्योंकि मैं एक्टिंग फील्ड में कम हूँ, मैं डायरेक्शन फील्ड में हूँ, तो मैं जो मेरे सामने आता है या मैं वर्कशॉप लेता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं 50-60 के बच्चे होते हैं, मैं कॉलेजेस में भी वर्कशॉप ले चुका हूँ, जैसे साइंस कॉलेज हो गया, MM कॉलेज हो गया, वहाँ पर भी मैं बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अभी सुनते जाओ, अभी बहुत कुछ निकला है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, शायद आप नहीं पता, कुछ लोग बहुत सारे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, तो वहाँ पर भी 2016 में जम्मू कश्मीर से हम 2 लोग थे, मैं था और मेरे साथ आरुषि ठाकुर थी, बलवंत ठाकुर जी की बेटी है वो, हम 2 लोग सेलेक्ट हुए थे जब पहली बारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से डायरेक्शन की फील्ड में उनकी वर्कशॉप हो रही थी। हम दोनों ने अप्लाई किया था, मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरा फ्रेंड है यासीन, हम दोनों ने, उसने मेरा अप्लाई कर दिया, मैंने भी अप्लाई कर दिया, हमने सोचा देखते हैं होता नहीं होता, प्रोफाइल भेजनी पड़ती, अगर आपकी प्रोफाइल उनको लगती है कि इसमें दम है ये करेगा तो हो जाता है, तो वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गई थी, वो भी फर्स्ट टाइम था। ऐसे ही स्कॉलरशिप हुई, ऐसे ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से डायरेक्शन, वो भी हम, मैं पहला ही था यहाँ पे, क्योंकि पहली बारी हुई थी और पहली बारी मेरा नाम आ गया था। अभी फेलोशिप भी हो गई, जूनियर फेलोशिप भी हो गई है, तो ठीक है, आगे कारवा और भी चलता भाई जाए। एक चीज़ मेरे को बताओ, बड़ा कुछ मजाक भी हुआ लेकिन एक ऑन अ सीरियस नोट एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस फील्ड, इस लेवल तक पहुँचने के लिए जहाँ पे आज हो? हाँ, स्ट्रगल बहुत होता है, स्ट्रगल ऐसा नहीं होता आपको दौड़ भाग ये वो, आपका मेंटल स्ट्रगल बहुत होता है। आप अगर मेंटली अपने आप को कूल काम रखते हो ना, तो आप कर जाओगे। अगर आप मेंटल लेवल पे आप अगर अपने कूल काम नहीं रखते हो, अगर कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट चलती रहती है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, नहीं यहाँ नहीं बन रहा, मैं वहाँ हो जाता हूँ, तो आप फिर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल रह जाती है, वो आप स्ट्रगल करते ही रह जाओगे। ऐसे तो लाइफ हमारी स्ट्रगलिंग है, हम हर वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, शादी के बाद भी स्ट्रगल होगी, बच्चों के स्ट्रगल होगी, जॉब होगी स्ट्रगल होगी, थोड़ी एज हो जाएगी तब भी स्ट्रगल होगी, पैसा कम आ रहा है स्ट्रगल होगी, वो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। स्ट्रगल अभी भी है, स्ट्रगल 10 साल पहले भी थी, 10 होगा 1 साल बाद भी स्ट्रगल होगी, लेकिन अगर वो आप उसको कूल काम होकर संभाल लेते हो ना, तो वो स्ट्रगल नहीं होती, वो मज़ा होता है। तो जितनी मेरी जर्नी थी ना, वो स्ट्रगल मैं नहीं कहता, वो मज़ेदार थी, अभी भी मज़ेदार है। मैं जब जर्नलिज्म फील्ड में आया था ना, वो भी एक्सीडेंटल आया था, तब भी मेरे फ्रेंड ने कहा था कि तू इंटरव्यू दे दे, ऐसे काम काम में इंटरव्यू दे दे, मैंने भी दे दिया, हो गया। तो इसी तरीके से जर्नलिज्म जब मैंने स्टार्ट किया, जिसका मैंने पहले इंटरव्यू लिया था, नॉट ऑन मतलब फ्रंट ऑफ द, मतलब ऐसे लाइव नहीं किया था, रिकॉर्डिंग किया था, वो उस बंदे का इंटरव्यू किया जिस कंपनी में मैं जॉब करने जा रहा था, मतलब जहाँ पे मैं गया था मेरा पहला, तो उस कंपनी का वो ऑनर था, उसने कहा मेरा इंटरव्यू लो, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, 5 मिनट पहले उनका, 5 मिनट देता हूँ, मेरे बारे में जान लो और मेरे बारे में स्टडी कर लो, हालांकि उनके बारे में था गूगल पे, स्टडी किया, पहली बार उनका इंटरव्यू लिया, हो गया। तो वो भी मेरे लिए स्ट्रगलिंग था, और वहाँ से अब तक की जर्नी अब देखता हूँ ना तो मज़ेदार लगती है, तो आगे भी और मज़ेदार चलती जाएगी। इसलिए मैंने कहा स्ट्रगल नहीं होता, एक कूल कामनेस अपने अंदर रखो और वो चीज़ आपकी मज़ेदार बन जाएगी, और लाइफ अगर ऐसे जियोगे तो हर चीज़ हासिल हो जाएगी, नहीं भी हो तो मज़ेदार है। एक सवाल और, पता है सवाल निकलते जाते हैं, जैसे बोल रहे हो ना, सवाल अपने माइंड में आ रहे हैं अपने आप ही। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, थिएटर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर भी आप, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि आपका गुरु थिएटर में कौन था? गुरु, हाँ कुछ और, हाँ बोलो बोलो, फिर मैं पूछता हूँ। गुरु एक नहीं होता, आप हर एक व्यक्ति से सीखते हो। मैंने जब शुरुआत की थी, मैं नटरंग में आया था, वहाँ पर बलवंत ठाकुर जी हैं, पद्मश्री हैं, अभी वो बाहर हैं, डिप्लोमेट है कल्चर के। उसके अलावा उनके साथ जो यहाँ पर लोग थे, नीरज कांत, उनसे मैंने सीखा, मेरे गुरु वही थे, और उन्होंने मेरे को पेशेंस लेवल सिखाया था कि बेटा रुक, मैंने बड़ी मार खाई हुई है, मेरे को डंडे पड़े हुए हैं, बहुत डंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि तब यंग एज होती है, 18-19 साल का, 12वीं करके आया है, तो मार पड़ती थी, डंडे पड़ते थे। अब तो आप किसी को टच कर जाओ ना, वो शायद कुछ ना कुछ आपको उल्टा बोल दे, और मैंने 5 साल तक बड़ी मार खाई है, डंडे खाए हैं, बहुत सारी सुनी है, बातें सीखने के लिए, क्योंकि उस वक्त मज़ा आता था, वो चीज़ें मज़ेदार होती थी, सराउंडिंग में आपके जो साथी होते थे वो मज़ेदार होते थे, तो मज़ा आता था। आज के टाइम पे आप किसी को उंगली दिखा दो तो वो आपका गला पकड़ लेगा, वो सीखने आया होगा बेशक, उसको लगता है मुझे सीखना है, बट उसको लगेगा इसने मेरे को बोल दिया, ये मुझे सिखाएगा नहीं, ये मेरे को ऐसे ही दिखाएगा, आपको वो चीज़ें, मेरा मतलब ऐसे ही है बस, सब चल रहा है वो हो गया। मेरे गुरु नीरज कांत जी हैं, ठीक है, बलवंत ठाकुर जी जिनसे मैंने सीखा है, ऐसे ही मेरे साथ और लोग थे यहाँ पर, अनिल टिक्कू आते थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनसे सीखते सीखते मैं जब, अब मैं बताता हूँ एक चीज़ और अपनी, जब मैं किसी यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ ना, है ना, मेरे से जो 10 साल छोटे हैं, है ना, तो 18-19 साल 20 साल 21 साल, या मेरे से जो बड़ा भी होता है, उनके साथ वर्कशॉप किया, मेरे से बड़ी उम्र के साथ जो है वो मेरे साथ काम कर चुके हैं, उनको भी ट्रेन किया है, मैं हर एक व्यक्ति से सीखता हूँ जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, क्योंकि क्या होता है, जब मेरे गुरु जो थे वो मेरे को मार के सिखाते थे, डांट के सिखाते थे, वो उनका अपना तरीका था, मैंने उससे भी सीखा,
अब मेरा तरीका क्या है, मैं कभी डंडा मार के या गुस्सा करके कभी नहीं सिखाता हूँ, मैं अपनी अप्रोच से सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसको इस तरीके से सिखाऊँ, इसकी अपनी अंदर से चीज़ निकल जाए ना, वो उसके लिए क्रिएटिविटी होगी। अगर मैं अपनी चीज़ इसमें डालूंगा ना, कहीं ना कहीं उसकी चीज़ दब जाएगी और वो अच्छे से निखर के नहीं आएगी। तो मेरा तरीका यही रहता है, जो नया नया आता है ना, वो भी मेरा गुरु है, मैं उससे भी सीख लेता हूँ कि शायद ये क्या चीज़ सिखा रहा है, वो मैं अपने पास रख लूँगा, इसको नहीं बताऊँगा। जर्नलिज्म की फील्ड में गुरु कौन था आपका, ये बता दो। जर्नलिज्म की फील्ड, मैंने कहा जर्नलिज्म, मैंने ना मतलब मैं एक्सीडेंटल आया हूँ, मेरे को कोई गुरु नहीं है, बस यही मैं कहता हूँ। मैंने बट सीखा किससे आपने ज़्यादा इसके बारे में? मैंने किसी से नहीं सीखा, मतलब खुद से सीखा। मैं ये सही में कह रहा हूँ, अगर कोई सोच रहा होगा कि ये पता नहीं मजाक कर रहा है, क्या है ये, कहाँ उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा हूँ, मैंने सीखा किसी से नहीं है। थिएटर की बात भी की जाए तो यहाँ पर भी गुरु थे, लेकिन सीखना कहीं ना कहीं आपको अपने से पड़ता है, वो मैं सीधे बोल देता हूँ। और जर्नलिज्म की फील्ड में भी मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था। मैंने कहा ना, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू गया और वो मेरे को कह रहे थे कि मेरा इंटरव्यू ले 5 मिनट में, तब मैं किससे सीखने जाता, किसी से नहीं सीखा, खुद किया, और अभी तक भी खुद किया, किसी से सीखा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें आप सीखते पता कहाँ से हो, आप अपने गुरु खुद बन, ऐसे तो गुरु चाहिए होता है आपको, आप अपने गुरु भी खुद बन जाते हो। जब आप अपने आप को खुद क्रिटिसाइज़ करते हो ना, अगर आप अपने आप पर उंगली दिखाते हो ना कि यार तू यहाँ गलत था, जब आप ये कर जाते हो ना, तो आप अपने गुरु बन जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। जैसे मैं अभी भी अगर कोई इंटरव्यू करता हूँ ना, तो किसी का भी इंटरव्यू करता हूँ, इंटरव्यू के बाद अगर मैं वो इंटरव्यू देख जाऊँ ना, तो मैंने सोचा ये इंटरव्यू सही था। अगर मैं वो इंटरव्यू नहीं देख पाऊँ ना अपना, तो मुझे लगता है यार यहाँ मुझे मज़ा नहीं आया। और ऐसे मैं रोज़ करता हूँ, अगर अभी भी मैंने कोई कल इंटरव्यू किया होगा ना, अगर मैं वो इंटरव्यू देख जाऊँ ना, मुझे लगता है ये मेरा काम सही था। अगर मैंने नहीं देखा, समझ लो कि मैं उधर अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, कि अगर तू ही नहीं देख पा रहा है तो तेरे को लोग कैसे देखेंगे। तो वो चीज़, वो मेरे अंदर जज्बा है कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप फर्निश्ड होते हो, उसी से आप पॉलिश होते हो, और वो काम आपका निखर के बाहर आता है। एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, मैंने एक आखिरी मैसेज चाहता हूँ आपसे, हमारे यूथ के लिए, उन लोगों के लिए जो बड़ी जल्दी ना किसी चीज़ से हार मान जाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कहीं पे हाथ लगाया ना या पांव रखा किसी चीज़ में, तो जैसे कुछ वक्त होता है ना, उनको लगता है यार यहाँ से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, निकलो बाहर। उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए? यूथ ऐसे तो वैसे सारी यूथ समझदार है, उसके मैसेज क्या दूंगा। मेरी तरफ से ऐसे ही यही है कि देखो, बड़े सारे लोग जो है ना, वो मोटिवेशनल चीज़ें देते हैं, इंस्पिरेशनल यूट्यूब्स आते हैं, हर चीज़ें आती हैं। मैं भी कभी कभी बड़ा डिमोरलाइज होता हूँ ना, कभी सुन लेता हूँ, लेकिन आप जब तक अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करते हो ना, आप वो जितनी मर्जी वीडियो देख लो, आप सुबह देखो शाम को आप फिर वही हाल होगा, आप डिमोरलाइज होंगे। आपको खुद ग्रूम अपने आप को करना, खुद मोटिवेट अपने आप को करना, अपना गुरु खुद बनना है, आप तब कर सब चीज़ें कर जाओगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ भी करना चाहते हो करो, गिरोगे, हारोगे, पिटोगे, कुछ भी होगा करो, रोना आता है, रो जाओ। मैं बताता हूँ, मेरे को कभी कभी लगता है ना मुझे रोना चाहिए, मैं रोता हूँ, ऐसा नहीं है, अकेले रो, ज़रूरी है रोना, इंसान के लिए रोना ज़रूरी है। जब आप रोते हो ना, इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस रुके होते हैं, वो निकल जाते हैं। उस रोने के बाद जब आप निकलोगे ना, आपको लगेगा हाँ अब मुझे ये एक चीज़ करनी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी ना अपने आप को बैक मत करना, पीछे मत करना, ये मत सोच के करना कि मैं कर पाऊँगा ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आप कर गए तो अच्छा है, और नहीं कर पाए तब भी अच्छा है, क्योंकि उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपने गलती कहाँ गई। करना बड़ा ज़रूरी होता है, बस ये बात याद रखना, पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, कोई यहाँ पर खुदा नहीं होता है। अगर हम जर्नलिस्ट हैं, हम अगर कल को हमें प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेना पड़े, तो हम डरने थोड़ी वाले होंगे या प्रधानमंत्री, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आपका डर निकाल देगा। किसी का भी कोई भी चीज़ हो, सिर्फ डर जो है वो तब तक रहता है जब तक आप उस पर अप्लाई, उसको करते नहीं हो। जब आप कर जाओगे ना, डर भी निकल जाएगा और आपको समझ आ जाएगी आगे बताता हूँ मैं क्या करना, फिर ये चीज़ें निकल जाती हैं। एक सवाल उसके बाद करते हैं फिनिश। सवाल ये है, इस तरफ जर्नलिज्म की फील्ड है, बहुत बड़ा स्कोप आपको मिल रहा है, बहुत हाईफाई सैलरी मिल रही है, बहुत बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, इस तरफ आपकी थिएटर की फील्ड और वहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, इसको चूज करो। ये बड़ा मुश्किल तभी तो मैंने पूछा ही नहीं, नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं बैलेंस कर लूंगा, इसमें बैलेंस कर लूंगा, छोड़ नहीं पाऊंगा, मतलब दोनों तरफ जाओगे। बट यार वो चीज देखो, जब मैं लाइन सुनी है ना कि दो नाव में सवार होने वाला डूबता है, ये दो नाव नहीं है, ये नाव एक ही है, ये दो नाव नहीं है, नाव एक ही है। इसमें पता क्या है, देखो थिएटर से निकल के मैं जर्नलिज्म में आया, शायद थिएटर में आज से पहले जब मैं थिएटर कर रहा था, 3-4 साल पहले जब मैं रेगुलर थिएटर करता था, तब लोग इस तरह से मेरे से वाकफ़ नहीं थे, क्योंकि मैं एक रूम के अंदर काम करता था, वहीं से अखबारों में जाता था, वो अलग चीज़ थी। अब जैसे मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, वहाँ पर लोग मेरे को अलग तरीके से जान रहे हैं। मेरा मकसद यही था कि लोग जाने और
अगर मनी आ रही है तो और क्या चाहिए, मनी भी आ रही है, लोग जान रहे हैं, तो है है। दोनों चीज़ों से लोग जान रहे हैं, जानना बहुत ज़रूरी है, फेमस होना कोई नहीं चाहता, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कहे कि हर कोई अच्छे से मिलता है, आप अच्छे से मिलते हो, ऐसे कोई भी है अपने दिल में मेरे लिए कोई वैसी चीज़ रहती नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार उसके साथ वो नहीं है, वो उसका ऐसा है, मैंने कहा यार मेरे साथ वैसा क्यों, क्योंकि जैसा मेरा नेचर है, मैं समझता हूँ कि मेरा अच्छा नेचर है तो सब मेरे साथ वैसे रहेंगे, ऐसा कोई होता नहीं है। एक मैसेज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा एक लास्ट में, यूथ के लिए सब कुछ हो गया, क्योंकि मेरे को जूनियर फेलोशिप मिली है, वो मिलने के बाद आई चीज़ आपने कहा कि आपका इंटरव्यू करना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपने इतना समझा मेरे को। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे अगर सेंटर की सरकार हमें फेलोशिप देती है, स्कॉलरशिप देती है, स्कीम्स होती हैं, अगर वो इसलिए होती है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाएँ, उनके लिए कुछ ना कुछ बन पाए। अब जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, अब यूटी है, हमारे यहाँ कल्चर का यहाँ कर भी डिपार्टमेंट है, अगर हमारा यहाँ का डिपार्टमेंट यहाँ के अगर आर्टिस्टों के लिए कुछ कर दे इस तरीके का कि यहाँ पर भी कुछ स्कॉलरशिप निकाल दे, ऐसी स्कीम या फेलोशिप निकाल दे, एक एक साल बाद निकाल दे, कंपटीशन रहता है जिसकी लग जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई अच्छे तरीके से काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसकी लग जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका एक जरिया बन जाएगा, एक साधन बन जाएगा, उसके पास इनकम आएगी, उसका पॉकेट मनी या कुछ ना कुछ उसका निकल जाएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना, आर्टिस्ट कहीं ना कहीं दरबदर होता है, ऐसा लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ऐसा है, यहाँ आर्टिस्ट को उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, उतनी आर्टिस्ट को ना उसको पैसा मिलता है, तो फिर वो आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर से उस तरीके से निकल ही नहीं पाता है। हम कहें कि थिएटर में क्यों काम अच्छा नहीं होता, वो इस वजह से ना उनको उस तरीके की रिकग्नाइजेशन मिलती है, ना उनको उस तरीके का अवार्ड मिलता है, ना ही इस तरह की स्कॉलरशिप और फेलोशिप जैसी कोई स्कीम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, और हमारे कल्चर डिपार्टमेंट वो कर भी नहीं रहा। अगर वो कर दे तो शायद यहाँ पर उनको सपोर्ट मिल जाए, और जो चाहते हैं ना जम्मू कश्मीर अगर आगे नाम कमाना चाहता है ऐसी चीज़ों से, तो हमारे वैसे लोग आ जाएंगे, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, यानी कि जम्मू कश्मीर वैसे टैलेंट से भरा हुआ है, एक टैलेंटेड बंदा तो मेरे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। चलो राहुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया अपना हमारे साथ। तो ये थे मेरे साथ राहुल सिंह, जो एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, अभी के टाइम पर डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही साथ ये एक जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको देखा भी होगा, बहुत सारे एक चैनल पे भी देखा होगा इनको, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि राहुल आगे बढ़ते रहें और जम्मू कश्मीर का नाम आने वाले वक्त में रोशन करें। और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, जम्मू के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना टैलेंट जो है उसे छुपा कर बैठे हुए हैं, तो टैलेंट छुपाने की ज़रूरत नहीं है, टैलेंट को सामने लेकर आइए, कोशिश कीजिए आपका टैलेंट सबके सामने आए और आपका भी नाम बने और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। आप देखते रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।